हेलो गाइस, टोटल कूलिंग सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है एक कॉन्ट्रैक्टर पर है। ये एक 2 टन के एसी का कॉन्ट्रैक्टर था, तो एक खराब हो गया था। तो मैं आज आपको जो हमारी ये वीडियो है इस कॉन्ट्रैक्टर की वर्किंग पर है और कनेक्शंस पर है। तो गाइस, जैसे कि अब आप इस पर मैं दिखा दूँ ये कितने एम्पेयर का है। तो गाइस, ये इधर लिखा हुआ है 25 एम्पेयर और 240 वोल्ट एसी पर चलेगा। तो ये 25 एम्पेयर का कॉन्ट्रैक्टर है। और अब इसके कनेक्शन है बड़े सिंपल होते हैं, कई बार कई फ्रेंड कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है ये न्यूट्रल वाला पॉइंट है, और ये जो रेड से लिखा हुआ है ये फेस वाला पॉइंट है। अब हम इधर फेस देंगे और इधर न्यूट्रल देंगे, ठीक है गाइस। और हमने इससे ही क्या करना है, इसी से जो इसके जो थिम्बल वापस निकलेंगे वो फैन के लिए जाएंगे। न्यूट्रल फैन के कैपेसिटर को चला जाएगा, या फेस आपने कैपेसिटर को देना, फेस कैपेसिटर को दे दो, बाकी दूसरी तार उसके कॉमन में चली जाएगी। और कैपेसिटर से होते हुए तो जो यहाँ से 2 तारे निकलेंगी वो तो हमारे फैन के लिए होंगी, और इस पे जो लगेंगी न्यूट्रल फेस लगेगा। आप इसे ना भी लगाएं, फैन को आप डायरेक्ट कनेक्शन दे सकते हैं, कोई इसमें दुराई नहीं है, ठीक है गाइस। तो हमने इधर न्यूट्रल फेस दिया, उसके बाद क्या होता है इसमें, हमने यहाँ पे कंप्रेसर के लिए या जो हमारी हैवी मोटर है उसके लिए यहाँ से एक कनेक्शन दिया, और उसे यहाँ से करंट पास करना है। तो अब इसमें होगा क्या, जब यहाँ से फेस जाएगा तो इसके अंदर जो कॉइल है इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, उसके कारण ये कॉन्ट्रेक्टर है पुश हो जाएगा और यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है उसे आगे पास कर देगा। तो अगर आपको मैं इसे खोल कर भी दिखाता हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ आए, बस इतना सा काम होता है। अगर इस पर न्यूट्रल फेस आ रहे हैं तो इस सप्लाई को ये आगे पास करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। गाइज, ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि हैवी मोटर्स के लिए लगा होता है, ताकि जो हमारा कोई भी प्रॉब्लम आनी हो तो पहले सबसे पहले ये उड़ता है, उसके बाद आगे जाके सप्लाई उड़ती है, और सप्लाई जाना बंद हो जाती है ताकि हमारा जो कंपोनेंट है वो बच जाए। तो गाइज, ये मैंने इसे ऊपर से खोल लिया है और मैं अब इसकी कॉइल भी अलग कर देता हूँ इससे। गाइस, हमें इसे कभी भी बायपास नहीं करना चाहिए। बायपास से क्या होता है कि हमारे जो पीसीबी में फ्यूज लगा होता है वो 5 एम्पेयर का होता है, और जो हमारा एसी है नॉर्मली 7-8 एम्पेयर पे चलता है। तो 8 एम्पेयर ज्यादा जा रहे तो फ्यूज उड़ जाएगा और हमारी पीसीबी पे भी कोई इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए मैं फ्यूज कॉन्ट्रेक्टर लगाना जरूरी है। जब भी यहां से न्यूट्रल फेस जाएगा और इसकी कॉइल काम करने लगेगी तो ये बटन पुश हो जाएगा, और जो यहाँ सप्लाई आ रही है वो सप्लाई इधर चली जाएगी और पास हो जाएगी। ये इसका बटन है। ये कब पुश होगा, जब इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। मैं इसकी कॉइल्स भी आपको अलग करके दिखा देता हूँ। गाइस, ये इसकी कॉइल है। जब भी इसमें इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो ये जो हमारा पार्ट है मैग्नेट बन जाएगा, जो इसमें लगा होता है ऐसे। जब ये मैग्नेट बन जाएगा तो क्या होगा, इस वाले पार्ट को अपनी तरफ खींचेगा, और जब ये खींचेगा इसे पुश करेगा इसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण इसकी तरफ जाएगा, तो ये इसके साथ इस पार्ट को ये अपनी तरफ खींचेगा, और जब ये खींचेगा तो क्या होगा, ये बटन पुश हो जाएगा और सप्लाई पास हो जाएगी। तो गाइस, ये था हमारा कॉन्ट्रैक्टर। अगर किसी को कोई डाउट हो, फिर भी कुछ पूछना हो, कॉन्ट्रैक्टर कई तरह के होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर में आपको समझना होता है बस कि कॉन्ट्रैक्टर है किस लिए, और इसका न्यूट्रल फेस कहाँ लगेगा, इसका कॉन्ट्रैक्टर कहाँ होंगे। ये दोनों पॉइंट है, जो ये वाला और ये वाला, ये इसके कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट है। ये वाला और ये वाला इसका कॉन्ट्रैक्टर है। एक पे हम सप्लाई देंगे, दूसरी से जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी तब तक इधर आगे फेस पास नहीं होगा। और ये हमारी कॉइल है, ये हमारी कॉइल है, लेकिन और जो इसके दोनों थिम्बल्स हैं इसमें एक न्यूट्रल और इधर एक फेस दे दीजिए, तभी इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसके कारण बट पुश होगा और काम करने लगेगा। गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करना, और मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको इन ऐसी छोटी छोटी चीजें के बारे में भी बारीकी से आपको पता होगा, तभी आप आगे बेहतरीन काम कर पाएंगे। और आपको मेरा नंबर चाहिए तो मेरा नंबर आपको किसी न किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, क्योंकि मेरे साथ कई दोस्त मेरे जुड़ चुके हैं,
मुझे फॉलो कर रहे हैं वीडियो देख के, या कभी उनका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, कभी कहीं काम कर रहे हो तो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। गाइज इसके अलावा आपको एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर के बारे में कोई नॉलेज चाहिए, कुछ पूछना हो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या कहीं काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत आए तो फील फ्री टू कॉल, कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप और कॉल मी। थैंक यू गाइज।